हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। मैं अम्मार हैदर, आज आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहा हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन की डिमांड है कि इस इक्वेशन के जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है, इनको फैक्टराइजेशन करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इनको कंप्लीट करके स्क्वायर बनाने के बाद फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करा रहे हैं। गिवन इक्वेशन इज 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। नाउ वी डिवाइड बाई टू। टू से डिवाइड करना है बिकॉज कॉफिशेंट ऑफ x² = 2। जो भी इसका कॉफिशेंट होता है x² के साथ, उससे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 2 है यहाँ पर इसका कॉफिशेंट, तो डिवाइड बाई 2। हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। x² - 7/2x + 3/2 = 0। नाउ वी मेक दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी a + b² और a - b² इस आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको बनाना है। a² + 2ab + b² a² - 2ab + b² इस आइडेंटिटी की फॉर्म में हमको इनको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो इस फॉर्म में इसको बनाना है a² - 2ab। बस मेन पॉइंट समझने का जो है फोकस यहां पर करना होता है। इसमें a² - 2ab x² - 2ab 2 × x × b। अब b यहां पर क्या होना चाहिए जिससे हमको 7/2 अचीव हो जाए, तो 7/4 2 × a × b प्लस b² हेयर इज b 7/4 तो 7/4 होल स्क्वायर। जो नंबर ऐड की है वही नंबर माइनस करना है। ये हम अपने पास से एक्स्ट्रा वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। ये मेथड सबसे हार्ड डिफिकल्ट मेथड होता है। जितना हमने ऐड किया है इतना ही माइनस करेंगे। 7/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 7/4 होल स्क्वायर। जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है वो राइट करेंगे प्लस 3/2 = 0। ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया। a² - 2ab + b² ये आइडेंटिटी आपकी सेकंड नंबर की आइडेंटिटी को फॉलो करता है a - b होल स्क्वायर a² - 2ab + b² ये इसके इक्वल हो जाता है। a - a मीन्स x, ए यहाँ पर आपका x हो गया, b आपका 7/4 a - b x - 7/4 होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर हो गया a² - 2ab + b². अब रिमेनिंग जो है उसको राइट कीजिए 7/4 होल स्क्वायर। इसको 2 times लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 = 49 एंड 4 × 4 = 16 + 3/2 = 0 x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे टू फ्रैक्शंस को बाय एलसीएम 16 एंड 2 का एलसीएम 16 49 ये माइनस का 49 प्लस 2 × 8 = 16 8 × 3 = 24 = 0। अब इसको माइनस यूज करते हैं x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस किया है, इसको माइनस की 49 है आपका 9 × 4 = 5 25 / 16 = 0 x - 7/4 होल स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर फॉर्म में राइट करना है 25 × 5/16 = 4 5/4 होल स्क्वायर = 0। अब ये आइडेंटिटी ओपन करेंगे a² - b²
ये जो फॉर्म होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको इस टाइप से राइट करेंगे आप, ए एक्स माइनस सेवन बाई फोर प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल जीरो। इसका आप एलसीएम लेंगे, अपॉन में वन करेंगे, यहां भी वन करेंगे, इसको फोर एक्स माइनस सेवन प्लस फाइव, फोर एलसीएम फोर एक्स माइनस सेवन माइनस फाइव इक्वल जीरो, फोर एक्स माइनस टू अपॉन फोर इंटू फोर एक्स माइनस सेवन फाइव ट्वेल्व अपॉन फोर इक्वल जीरो, फोर एक्स माइनस टू फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो इंटू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में सिक्सटीन इधर आ गया, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, फोर एक्स माइनस टू फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो। यहाँ पर टू फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे इफ करेंगे टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम इसको करेंगे इफ फोर एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, फोर एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बाई फोर, एक्स इक्वल वन अपॉन टू, टू वन इज टू, टू टू इज फोर, वन अपॉन टू। इफ सेकेंड फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल जीरो, फोर एक्स इक्वल ट्वेल्व, एक्स इक्वल ट्वेल्व अपॉन फोर, एक्स इक्वल थ्री, फोर से डिवाइड किया ट्वेल्व को थ्री, हैंस द फाइनल सॉल्यूशन, जो रूट्स हमारे फाइंड हुए हैं फैक्टर्स आए हैं वो वन अपॉन टू एंड थ्री, थ्री एंड वन अपॉन टू, ये टू रूट्स टू वैल्यूज एक्स की फाइंड हो गई, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन।